हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हम उठे हैं सो के, मतलब सोए तो थे नहीं, पर ऐसे ही लेटे हुए थे। तो अभी मायरा भी उठ चुकी है, मम्मी सब्जी छोंक रही है अभी, और ये गए हैं मार्केट। अभी हम पियेंगे चाय। अभी हो रहा है शाम का टाइम। आज मैं अपना ब्लॉग शाम से शुरू कर रही हूँ क्योंकि सुबह से टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल भी। तो बस दिखाते हैं अभी आपको आगे आगे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, जो भी है सब आपके साथ शेयर हो रहे हूँ करेंगे। यहाँ यहाँ तैयार, क्योंकि हम जा रहे हैं अभी मायरा को घुमाने के लिए। अब से शाम का टाइम हो गया है तो उसको लगता है कि इस टाइम मुझे घुमाने लेके जाएं, तो मैंने उसको अभी दूध दिया है, फिर उसके बाद उसको लेके जाएंगे घुमाने के लिए। तो चलिए आप भी हमारे साथ। अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, मेरा फिर कुत्ते मिलते को देख हैं। के खुश हो रही है। चलो आओ, आ जाओ, चलो आ जाओ, बारिश लग गई, जल्दी आओ। कम आओ, बाद में खेलेंगे उसके साथ। चलो तो यहाँ हम लोग निकल गए थे और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी, तो बस अभी जाके आते हैं। चलो मायू। डोगू तो यहाँ पर हम लोग पहुंच गए थे शॉप पर, और यहाँ ये देख रहे हैं हरी मिर्च। हरी मिर्च देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, फ्रेश सब्जी थी एकदम। तो यहाँ पे ये लौकी भी देख रहे हैं घर के लिए। तो
तो यहाँ पे हमारे घर का कुछ राशन खत्म हो गया था, तो हम आए थे राशन लेने, तो ये अकेले आ रहे थे तो ये मेरे को भी अपने साथ ले आए, तो मैं भी आ गई इनके साथ। और मायरा को देखो यहाँ शरारतें कर रही है, ये इनका सामान उठा रही थी यहाँ से और नीचे गिरा रही थी बार बार। इसने नीचे कट्टे में कुछ रखा हुआ था तो वहाँ से भी इसने सारे फर्श पे गिरा दिया था वो। तो यहाँ पर इसको देंगे हम अभी फ्रूटी, तो बहुत ठंडी थी वो, तो मैंने इनको मना किया कि मत दो इसको फ्रूटी क्योंकि ये एकदम से बीमार हो जाती है। तो इन्होंने इसको ये अमूल कूल की बॉटल दे दी थी, तो ये भी अब ये मुझको पकड़ा रही है, मम्मा आप ये ले लो और मुझे दूसरी दो। फिर ये फिर अपनी शरारतें करने लग जाते, कोई इसको चीज़ दो ये मानती नहीं है बिल्कुल भी। तो ये मुझे दे रही थी, मैं इसको दे रही थी बार बार। तो बाकी अब ये सामान ले रहे हैं और बीच बीच में मुझसे पूछ भी रहे हैं क्या क्या है, तो मैं इनको वही बता रही थी यहाँ पे। तो सारा सामान वगैरह हमने ले लिया है, अब हम जा रहे हैं घर वापस। और ये पोपू दुकान पे जाके बहुत जिद करते हैं, उनका सारा सामान गिरा दिया इसने, है ना। और आपने क्या लिया? इसने ये लिया है वहां से, पीना है नहीं, जिद करनी है बस, है ना, जिद करनी है ना, जिद। बैठ जाओ, पापा भी आ रहे हैं अभी। पापा को आवाज मार दो, बोलो पापा, बोलो पापा पापा। तो चलते हैं अभी घर। घर में आए हैं मेरे मम्मी पापा, उनका कॉल आया था बाद में जब हम घर से निकल गए थे, तो अभी देखते हैं घर जाके वो रुके हैं कि नहीं। अभी तो उनका कॉल आया था कि हम बैठे हैं, तो आ जाओ, पर अभी देखते हैं घर जाके क्योंकि उन्हें कहीं और भी जाना है। तो फिर अभी देखते हैं घर जाके वो घर पे हैं कि नहीं है। तो चलिए अभी चलते हैं घर, ही आ रहे हैं अभी, मैं बैठी हूँ गाड़ी में। तो सारा सामान वगैरह ले लिया था हमने, उसके बाद हम घर के लिए निकल गए थे क्योंकि घर में आए थे मेरी मम्मी पापा। तो बस वही हमारा वेट कर रहे थे बैठ के, उनका फ़ोन आ रहा था बार बार, तो वो मुझे पूछ रहे थे कहाँ हो कहाँ हो। तो मैंने उनको बता दिया कि मैं अभी आ रही हूँ, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। तो बस वो बैठे थे घर में क्योंकि मम्मी का पूजा का टाइम भी हो रहा था, तो इसलिए हम निकल गए थे घर के लिए। और यहाँ मायरा बड़ी खुश होती है जब उसकी वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो वो कैमरे के साइड ही उसी की नज़र रहती है बस। और मायरा शॉप पे जाकर कर रही थी बड़ी शरारतें, मैंने आपको दिखाया था कि सारा सामान वो गिरा रही थी बार बार, मैं उठा रही थी, अगर मैं उसको गोद में लेती तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है। बस आजकल उसका ऐसा ही रहता है, बस जिद बहुत करने लग गई है वो। तो अभी चलते हैं घर, फिर मिलते हैं घर जाके। और यहाँ हम घर पहुँच गए थे, मम्मी पापा आए थे और मायरू बैठी है मम्मी पापा के साथ, तो बस मैं उनके लिए खाना बनाऊँगी, उसके बाद निकलेंगे मम्मी। और हेलो, तो आज है नेक्स्ट डे, दूसरा दिन। तो मैं कल अपना ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, तो मैं आज ये ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अभी मम्मी ने खाना वगैरह बना दिया है और मैंने भी बाकी सारा काम कर दिया है, झाड़ू पोछा वगैरह, और चाय वगैरह हमने पी ली है। तो अभी दिन के खाने की तैयारी हो रही है, तो मम्मी वही कर रही है अभी। तो आगे आगे मैं आपको दिखाती हूँ अभी मम्मी क्या बना रही है क्या नहीं, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में देखने के लिए कि आज क्या बना है। खाने में बना रही हूँ मसूर की दाल, और आज मैं नई डिश बना रही हूँ, बड़िए और शिमला मिर्च के मैं सब्जी बना रही हूँ, नई डिश है, देखो कैसी बनती है। नई है प्याज मोटे मोटे काटे हैं और उनको ऐसे किया है, ये थोड़े मैंने प्याज बारीक करके इसे हैं, ये टमाटर इसमें है, ये बड़ी है, ये शिमला मिर्च है, ये जीरा दही के लिए पिसा है, ये गरम किया है मसाला मैंने इसके लिए ही, तो अभी ये मैं बना रही हूँ। तो जब तक मम्मी सब्जी को छौंक लगा रही थी, तो उसके बाद मैंने आटा छान लिया था और मैं आटा गूंद रही थी। और उसके बाद यहाँ मायरा कर रही थी शरारतें, तो मैं उसको देखने आई थी यहाँ पे, तो वो मेरी बिंदियाँ लेके सारी निकाल देती है, सारी बिंदियाँ उसने ऐसे ही ख़राब कर दिया, तो मैं उससे लेके रख रही हूँ। तो चिल्ला रही थी, अब वो ज़्यादा ही कुछ परेशान करने लगी है, उसके हाथ से कोई भी चीज़ ले लेते हैं तो वो बहुत ज़िद करती है और चिल्लाती है ऐसे।
और उसके पैरों में बिंदी लग गई होगी, तो वही दिखा रही है कि मेरे पैरों में लग गई है बिंदी। और ये शाम का टाइम है तो मायरा हो रही थी पप्पी को देख के बड़ा ही खुश। तो ये देखिए आप, कुत्तों को देख के, अभी बच्चों को पता नहीं होता है ना, तो वो बड़ी खुश हो रही थी इसको देख के। गेट पे ना चूं 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 चूं, कहीं और छोड़ के आना पड़ेगा ये, है ना, कोई ना बकती ब्याही होगी। नहीं कोई छोड़ के क्या बना, कल परसों कितनी खुश हो रही थी। पकड़ ले इसको, पकड़ ले डॉगी, ये डॉगी, ये डॉगी, ये डॉगी, ये मुंगू के लिए डॉगी आए, छोटा सा डॉगी। पजामे बदल दे इसकी, खेल लेगी इसके साथ थोड़ी देर। शाम का समय है, बाहर बैठे हैं, अच्छा लग रहा है, ठंडा हवा चल रही है बहुत। और ये पीछे मेरे है गुलाब का पेड़ा, और इसमें फूल लगे हैं छोटे छोटे से, छोटे छोटे फूल लगे हैं इसमें सुंदर सुंदर से, ये देखो। मैं इसमें से रोज फूल तोड़ती हूँ ठाकुर जी के लिए, कानू को चढ़ाती हूँ फूल गुलाब के। तो यहाँ मायरा बैठ गई थी पप्पी के साथ खेलने, कभी उसको पत्ते खिला रही थी, कभी पत्थर खिला रही थी, तो इसका तो ऐसे ही चला रहता है, ये अंदर भी नहीं जा रही थी। तो ये था मेरा आज का छोटू सा ब्लॉग, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे न्यू